मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हुआ करता था, गोल्ड मेडलिस्ट, खेलकूद कल्चरल एक्टिविटी में अव्वल रहने वाला हुआ हीरो हुआ करता था। इसी हीरो को बड़े पर्दे की देखने की चाहत मुझे मुंबई लेकर आ गई। जब यहाँ की पथरीली जमीन पर आया तो एहसास हुआ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अलग था, ऐसा नहीं था कि सब कुछ बुरा था। कुछ दोस्त मिले, कुछ यार मिले, प्यार भी मिला। चार कदम साथ चले लेकिन फिर वही ट्रेजेडी एंड। अभी परसों की ही बात है, मैं एक ऑडिशन देने गया और सदा की तरह ही मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, एक्सलेंस, ब्रिलियंट। अपना फॉर्म वहां जमा, डायरेक्टर ने कहा अपना फॉर्म वहां जमा कर दीजिए, वाई डाटा और रेज्यूम लेकर आए हैं तो वो भी जमा कर दीजिए। मैंने फॉर्म दिया, वाई डाटा जमा किया और ऑडिशन रूम से बाहर आने लगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा मोबाइल गायब है। मोबाइल लेने के लिए जैसे ही मैं ऑडिशन रूम में जाता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरे बायोडाटा के ऊपर पेटीज रखकर कास्टिंग डायरेक्टर और वो कैमरामैन पेटीज रखकर खा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को अपने मोबाइल के साथ जेब में रख लिया और अपने आप को ये समझा लिया कि जब तक मेरा नाम बड़े पर्दे पर नहीं आएगा तब तक ऐसे तुच्छे पुंजे लल्लू पंजू कास्टिंग डायरेक्टर और कैमरामैन मेरे नाम के ऊपर टोमेटो केचप से सनी उंगलियां पोंछते रहेंगे।